आज चौधरी अंसर साहब ने राजगाह पर इंजीनियर कमर सलाम साहब नाल असानी मुलाकात हुई ते इना संगी इशारत बख्शा कि असा इन्होंने इंटरव्यू करी सका। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसा इंग्लैंड ना दौरा जड़ा कीता, इसना क्या मकसद सी ते क्यों इंग्लैंड? मेरा इंग्लैंड आने ना जड़ा बुनियादी मकसद सा वो तीन बेसिकली मेरे दावतनामे से, एक जड़ी यूनाइटेड किंगडम ने और पाकिस्तान ने तलुकात ने 70 साल सेलिब्रेशन कीतियां जा रही हैं, उस सिलसिले एक तकरीब से जिस यूके ने मिनिस्टर फॉर एशिया एंड कॉमनवेल्थ जो दौलते मुश्तरीका और एशिया ने बारे च उन्होंने वजीर है उन्होंने दावत सी, जड़ा के 11 तारीख फॉरन ऑफिस एक तकरीब सी, उस मैं इनवाइटेड स और मैं पाकिस्तान नवायद पार्लियामेंटेरियन सन जो सी डायरेक्ट यूके गवर्नमेंट की तरफों इनविटेशन आई सी। दूसरी मेरी इनविटेशन वो सी कि जड़ी ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप आ एक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसने के इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिनिस्टर प्रीति पटेल साहिबा और उसने स्टैंडिंग कमेटी ने सरबराज स्टीफन ट्विग साहब उन्होंने तरफों इनविटेशन सी वेस्ट मिनिस्टर पैलेस 13 तारीख बुद्ध आले दिन, जिस असा इंटरनेशनल डेवलपमेंट अपर और एजुकेशन अपर दो तीन मकासद से जी बुनियादी तौर। माशाल्लाह जी, एक पाकिस्तान की कौमी सियासत ने हवाले नाल जड़ा फैसला आया तुसानी पार्टी क्यादत ने खिलाफ, तुसानी पार्टी क्यादत अदालतां की और जजां की बहुत ज्यादा तनकीद निशाना बनाने पे जलसियां च भी जनाब रैलियां च भी, उस बारे च क्या है कि मौजब कौमां अपने अदालतां की और अपने जजां की इस तरह ही रोड पर तरीकड़ियां जिस तरह तुसानी क्यादत करनी भी, इस बारे तुसा क्या दसो? तुसा एक लफ्ज इस्तेमाल कीता मौजब कौमां, मौजब कौमां ने इंसाफ ना जड़ा तकाजे होने वो डिफरेंट होने, इंसाफ ना मतलब होना कि बराबरी है और इंसाफ ना एक बुनियादी मैक्सिम आ जो सी लॉ ना बुनियादी मैक्सिम आने वो कहने के जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। तो देखो कि उस बाद भी कई फैसले आए जिस कुछ शख्सियात की बरी किया गया कि जी वो जनाब उन्होंने असासे जड़े से उन्होंने नॉन मीनस ऑफ इनकम ने मुताबिक से, तो असानी क्यादत ना या असाना मौकफ सिर्फ ये कि जस्टिस अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, सिलेक्टिव जस्टिस इज नो जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन इन जस्टिस वो जस्टिस ने उस बुनियादी असूल नहीं खिलाफ वर्जी है। ये तो मुमकिन नहीं कि 400 लोगों पर एक इल्जाम आ तो एक ही तुसा पकड़ के उसी मीडिया और हर लिहाज में उसी ट्रायल का निशाना बनाने बाकी 399 जड़े वो नाते धोते फिरने पे, लिहाजा असन एतराज उस निजाम ने उस इस नुकते पर उस निजाम ने इम्पलीमेंटेशन अपनी। बहुत खूब जी, मेरा ख्याल है कि दोस्तों ने तुसा गपशप लाने का भी प्रोग्राम है, तो मैं आखिरी सवाल ये कर सा कि तुसा कलर सईदा गुजर खान बल्कि पूरे पठवारी च या दुनिया पूरी जिथे भी पठवारी रहने पे पठवार.com की बड़ा पढ़ने साढ़े नाजरीन वास्ते तुसा कोई पैगाम दो? देखो मैं बड़ी इच्छा आके खुशी हुई पठवार.com ने रोल समेत कि असा जी कम्यूनिटी है, मेरा ख्याल शायद इस तरह नहीं सा मेरा पहला विजिट सा यूनाइटेड किंगडम, मैं जिथा जिथा जिन्ना शहर च गया मैं देखिया कि असने पठवार ने लोग मुंसलिक के आपे च भी और जितने एक आपे च मुंसलिक के इतनी उन्होंने कोहिजन नहीं वो आपस इतनी उन्होंने अच्छी सोशल लाइफ ही उन्होंने अपने वैल्यूज की प्रिजर्व किया, इतना जिथा जिथा रहने अपनी आइडियोलॉजी ने मुताबक जिंदगी गुजारने पे अपने कल्चर और सकाफत की उन्होंने प्रिजर्व किया, बल्कि उन्होंने जड़िया जड़ा ही उन्होंने पाकिस्तान रिश्ता इतने अच्छी महसूस किया कि वह इतना मजबूत आ कि वह पाकिस्तान नाल जीने और पाकिस्तान नाल उन्होंने दिल धड़कने पे, और मैं समझना कि इन्होंने जो लोग के इतने रहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान की वैल्यूएबल कीमती फॉरेन एक्सचेंज भेजने पे पाकिस्तान की जड़ी इकॉनमी है उसी एक जिंदगी ना टीका लाने पे, बल्कि उन्हें बहार पाकिस्तान सू बहार पाकिस्तान ने सफीर नहीं ऐसी है, यूके च उन्होंने बड़ा रोल आ। मैं जिस दिन पहले दिन असनी वो पीर आले दिन तकरीब सी पाक यूके रिलेशन ने 70 ईयर ने उसी मिनिस्टर साहब जड़ी पहली गल की थी उन्हें मिकी और असनी हाई कमिश्नरी और पाकिस्तानी मुबारकबाद दी दो गल्लां, एक उन्हें यह क्या कि अगले चंद बरस च उन्हें आख्या है बस मैं अपनी तरफ उन्हें आना मिनिस्टर जरा परेशिया है उन्हें कहा जी कि अगले चंद बरस च पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द 20 लीडिंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड नंबर वन, जी मैं समझना कि बड़ी दूसरी उन्हें मुबारकबाद दी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के 14 मैंबर पार्लीमेंट इसलै पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जड़े यूके इसका मतलब आ कि कितनी पार्टिसिपेशन ही पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने इस
इस सरजमीनी पॉलिटिक्स कि 14 मेंबर किसी मुल्क ने नहीं, यानी यूके ने 9 मेंबरों से बाद दूसरा लार्जेस्ट साइज जड़ा वो पाकिस्तानी बेस्ड मेंबर्स पार्लियामेंट ना, जिसने पर मैं समझना बाय से फखर आ समझता बिलखसूस क्योंकि प्रीडोमिनेंटली ए पठवार ने लोग के चाहे वह अगर कश्मीर ना भी हो इलाका पठवार ना मिलना ओ, और प्लस जड़ा खिता है पठवार ने लोग के बाकी शहरों ने भी है ने, लेकिन पठवार नी नुमाइंदगी इतना ज्यादा और ये पठवार वास्ता है बाय से फखर है। मैं एक और सवाल देना चाहता तो मैं एक इजाजत नाल करना चाहता कि जड़े असा गैर मुल्की च पाकिस्तानी बसने जिन्हें ड्यू नेशनल भी हाँ असा की वोटर राइट कदों तक तुसा दे सकने हो, ए एक बहुत दरीना मुतालबा है और इसने पर असा जितना भी जोर बा वो कट है तो तुसा कोई कमिटमेंट देना चाहने रिकॉर्डिंग देखो रिकॉर्ड उसी बाद ही मैं जवाब भी मांग सकता। देखो वोट ना राइट बुनियादी राइट है और कुछ गवर्नमेंट अपने नेशनली कदे डिनाई नहीं किया, क्वेश्चन है कि वैदर वोट केड़ी जगह बेई ते दी जा सकनी और उसी मॉनिटर करने नी मशीनरी क्या उसी सपोज इंटरनेट पर तो वोट ना राइट नहीं दिता जा सकना, उन क्या पता उस इंटरनेट ने अकाउंट ही कौन यूज करना पिया। जिस तरह दुनिया च वोट पैनी पी दुनिया ने जदीद तरीन ममालिक अगर अमरीका या दीगर वह जमहूरीत जड़ियां मतलब सदियां ओल्ड डेमोक्रेसीज अगर उन्होंने मुल्क से बाहर को ऐसा वोट का सिस्टम बनाया तो सब इंशाला बना सब उसने टेक्निकल रुकावट आई बाकी कोई ऐसी रुकावट नहीं, मकसद यह कि हूं भी रौला पैना जो पोलिंग स्टेशन प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर फौज पुलिस पता नहीं किस किस की मौजूदगी इलेक्शन होने तो फिर भी शोर पैना जी वोट पता नहीं ये होगी जैली होगी तो वोट मतलब उस एक प्रॉपर पैराफर ने लिया और मेरा ख्याल ला कि इलेक्शन कमीशन जिसल इस जगह हो गया सी कि दुनिया ने 200 ममालिक ने अंदर क्योंकि यह मुमकिन नहीं कि यूनाइटेड किंगडम वोट ना आग दिता गया है और अमरीका या अफ्रीका ने कुछ मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी ना दिता जाए, लिहाजा उसने सिस्टम डिवाइस करने की जरूरत थी और देर ही बाकी कोई एतराज हुकूमत थी असूली तौर पर कोई पठवारी दोस्तों दुनिया जिथे मौजूद हो इंजीनियर कमर सलाम साहब बहुत सुलझी शख्सियत है इन्होंने कल नशेष तौर जी नशेष पता लगा कि रवायती किस्म ने सियासतदान नहीं तो कितने तहमल और कितने प्यार इन्होंने सवालों का जवाब दिता। मैं यूके बसने वाले पठवारियों की तरफ बहुत शुक्रिया अदा करना है कि तुम सा गुली मिली गए हो तो असा टाइम देने रहे हो।